फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके पॉलिसी में अगर आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो उसके लिए आज हमें करना क्या है, अगर हमारे पास पॉलिसी लिया हुआ है, आपने LIC की कोई भी पॉलिसी ली हुई है और उसमें आपके एड्रेस पुराने हैं, या आपने कहीं और लिया था और कहीं और शिफ्ट हो गए, या फिर आपके पास जो करंट एड्रेस है वो कुछ अलग है, पॉलिसी में एड्रेस कुछ अलग है, तो उसके लिए आप यहाँ से बिल्कुल घर बैठे अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। कोई भी कहीं भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपके पास जब आप कॉल करते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं, एजेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप लेटर दे दीजिए, ये कर दीजिए या ब्रांच में जाइए। तो मैं बताता हूँ कि आप घर बैठे अपने पॉलिसी का एड्रेस कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना आधार होना चाहिए, ये एड्रेस जो आपके आधार पर है वही अपडेट होगा। और आधार पे जो एड्रेस है उसके साथ आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मोबाइल नंबर अगर अपडेट होगा तो मोबाइल से आप इमीडिएट उसको वेरीफाई कर पाएंगे। मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा यहाँ पर दिखाऊंगा करके कि कैसे हम अपने पॉलिसी का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं घर बैठे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इजीली घर बैठे अपडेट करेंगे अपने पॉलिसी पे अपना न्यू एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए, हमें जाना है सबसे पहले LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, LICIndia.in, या आप टाइप कर सकते हैं LICIndia.in या LICIndia.com। जब भी आप टाइप करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, LICIndia.com का पेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर से सारी चीज़ें लिख रहा है। यहाँ पर आपको आना है ऑनलाइन आधार ऑनलाइन सर्विसेज में आना है, ठीक है। आपको कहाँ पर आना है, ऑनलाइन सर्विसेज में, ये जो आपको दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको आना है। और यहीं पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन एड्रेस चेंज का, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन एड्रेस चेंज का ऑप्शन दिया हुआ। मैं और बाकी चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर आपके पास बैंक मैंडेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हम आज केवल बात कर रहे हैं अपने पॉलिसी का एड्रेस कैसे घर बैठे चेंज करें। तो इसमें आना है हमारे पास ऑनलाइन एड्रेस चेंज के लिए। तो ऑनलाइन एड्रेस चेंज करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे आकर क्लिक कर देना है ऑनलाइन एड्रेस चेंज पर, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये डिटेल्स आ जाएगा सामने, आपको दिखेगा कि हमें एड्रेस चेंज के लिए पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा स्टेटस भी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास है, अगर आपने पहले से दिया हुआ है, आपने कोई रिक्वेस्ट दिया हुआ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या एड्रेस चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको देखिए। अब इसमें ये क्लियर बोला हुआ है कि हमें क्या चाहिए। एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें आधार से वेरीफाई करना है, तो ऑफलाइन आधार आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। आधार ऑफलाइन आपको डाउन करना है, डाउनलोड करना है, जिसको बोलते हैं XML फाइल। XML फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है अभी हम दिखाएंगे। और उसके बाद जो भी आधार पर आपका एड्रेस है वही एड्रेस इस पर अपडेट हो जाएगा आपके पॉलिसी में। तो यहाँ पर आपको दो तरीका है, एक तो आप सीधे यहाँ पर दिया हुआ है कि आप XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आधार की साइट पर चले जाएंगे, या फिर आप गूगल पर टाइप करके आधार की साइट पर जा सकते हैं। तो हम यहीं पर क्लिक कर लेते हैं, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास आधार की वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे आधार की वेबसाइट, ये देखिए माई आधार आ गया ना, यहाँ पर माई आधार आ गया। और यहाँ से आपको अपने आधार का डिटेल्स निकालना है। आधार का डिटेल निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो एरिया है इस एरिया पर आपको
क्लिक करना है, यानी ये जो लॉगिन वाला एरिया है, इस लॉगिन वाले एरिया पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉगिन वाले एरिया पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा कि यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको डालना है। आपका जो आधार नंबर होता है उस पे दो नंबर होते हैं, एक तो आधार नंबर होता है और दूसरा VID नंबर होता है। ठीक है, तो आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो आधार नंबर मैं भी यहाँ पर डाल के आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आधार नंबर के लिए हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर आधार नंबर, ये आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी चीज़ लिखा है, मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अपने कंप्यूटर से नीचे, आपको जैसे लिखा है छोटे में लिखा है छोटे में, बड़े में लिखा है तो बड़े में, ठीक है, और आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप डालेंगे, जैसे ये V छोटा में है, Q छोटा में है, K, Z और K बड़े लेटर में है। ठीक है, स्मॉल लेटर और ये आपका कैपिटल लेटर, तो स्मॉल और कैपिटल लेटर डालकर सेंड OTP आप कर देंगे। जैसे आप सेंड OTP करेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल पे रजिस्टर्ड है तो आपके पास OTP चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि मेरे पास भी OTP आएगा, तो OTP डाल के इसको आगे प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर डाउनलोड करने जा रहे हैं पहले XML फाइल। जैसा कि मैंने बोला, XML फाइल डाउनलोड करना है ऑफलाइन, और उसको हमें आगे प्रोसेस करना है, और उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर OTP हमने डाल दिया और लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्रोसेस करते हैं, हमारे पास सामने आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास चार पांच चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं उसी पे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड के लिए, ये सब चीजें हैं जहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है यहां से, ऑफलाइन EKYC से मतलब है। ठीक है ना, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है और इसी से हमें काम करना है। ऑफलाइन EKYC का जो आपका फाइल है, इस फाइल को हमें डाउनलोड करना है। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ही फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए हमने क्या वहां पर देखा था कि हमें XML फाइल डाउनलोड करना है। तो XML के पास आ गया यहाँ पर। अब ये मांग रहा है कि आपको कोड डालना है, क्योंकि ये कोड, आप इसको ओपन करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट का कोड रखना है और यहाँ पर डाउनलोड कर दीजिए। जैसे डाउनलोड करेंगे, ये आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो ये हमारा काम हो गया, XML फाइल डाउनलोड करना है। कि हमारा पहले काम था कि हमें XML फाइल आधार का डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके आपको ये पॉलिसी का अगला काम हो सकता है, या आप आधार अपडेट कर सकते हैं। ये 10 मिनट का काम है, ये इजीली आप कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद हमें जाना है फिर से LIC की साइट पर। ठीक है, यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर है ना, XML फाइल, ZIP फाइल हमने डाउनलोड कर लिया। या और इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा ऑप्शन कि आपको अब ये तीनों चीज़ों को सिंपल टिक कर लेना है कि मुझे आप इसे मतलब आधार की डिटेल देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तीनों टिक कर लिया और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जितनी पॉलिसीज हैं, एक बार में आप 10 पॉलिसी तक को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 10 पॉलिसी है तो 10 को अपडेट कर सकते हैं। तो हम अभी एक पॉलिसी करके देखते हैं। एक पॉलिसी अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं भी कोई पॉलिसी नंबर यहाँ पर डालकर और अपडेट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या किया है, पॉलिसी नंबर डाल दिया है, उस तरह से अपना ईमेल ID डाल दिया है, और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पर मैंने एज इट इज डाल दिया है।
ऐसे ही आप अपने जितने भी हैं आपको पॉलिसी नंबर डिटेल्स आपको डाल देना है और सिंपल क्लिक एंड जनरेट ओटीपी करना है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको ओटीपी डालना है जो आपके पास मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों पर आता है, तो कोई भी आप ओटीपी डाल सकते हैं, दोनों पे एक ही ओटीपी आता है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं यहां पर डाल देता हूं और सबमिट कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास नहीं आता है तो आप रिसेंड यहां से कर सकते हो, दोबारा ऑप्शन दिया हुआ, तो यहां पर सबमिट कर देता हूं। तो सबमिट करने के बाद अब जो हमने आधार डाउनलोड किया हुआ था, जो XML डाउनलोड किया हुआ था, उसको यहां पर अपलोड करना है। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना है। यहां पर अपलोड करना है हमने जो आधार डाउनलोड किया हुआ था, तो उसको यहां पर अपलोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहां पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल जहां पर भी आपने रखा हुआ है ये आपको यहां से ओपन क्लिक कर देना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और जो आपका मोबाइल नंबर है जो इस आधार पे रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। और डालने के बाद जो आपने पासवर्ड इसमें रखा था, हम जब XML डाउनलोड कर रहे थे याद होगा तो हमने एक पासवर्ड रखा था, जब XML डाउन कर रहे थे तो हमने एक पासवर्ड रखा था, वो था 1234, ठीक है। तो ये आपको जो पासवर्ड है यहाँ पर हमें डाल देना है 1234, ठीक है, और सबमिट कर देना है। बिल्कुल आसान है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपके डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, आ गया ना। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दूसरा एड्रेस है या ये एड्रेस है तो आपको सिंपल कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। डू यू वॉन्ट टू चेंज द डिफरेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना। यहाँ पर आप करेंगे तो दूसरा एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, अदरवाइज जो एड्रेस है आप वही रहने दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर आधार वाला एड्रेस रखना है तो आपको यही रहने दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप न्यू एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो हमारा एड्रेस सही है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए पॉलिसी नंबर सामने आ गया, और पॉलिसी अगर है तो आप यहाँ पर और भी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। जितनी पॉलिसी है आप ऐड करते जाइए, आप 10 पॉलिसी तक एक बार मैक्सिमम कर सकते हैं एक ऑथेंटिकेशन पे। तो सिंपल, आप समझ गए, बिल्कुल आसान है। अब ये करने के बाद अब फाइनल प्रोसेस करना है, प्रोसीड फॉर ई साइन। ई साइन करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास फिर से आधार से वेरीफाई होगा ये, तो हमने कर दिया प्रोसीड फॉर ई साइन। प्रोसीड फॉर ई साइन जैसे आप करेंगे आपको ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल, आपको अगर देखना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये वाला जो एरिया है यहाँ पर प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया प्रोसीड, ठीक है। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको ये आपके आधार के पास लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपने जो डिटेल्स दिया है अब दोबारा आप उसको वेरीफाई करके प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला पेज खुलकर सामने आ जाएगा आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी VID जो नंबर है वो डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आपको यहाँ पर नीचे सबमिट करना है, डालना है अपना OTP और डाल के सिंपल वेरीफाई कर देना। तो OTP यहाँ पर डाल के यहाँ पर टिक लगा देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। तो जैसे वेरीफाई आप करेंगे, वेरीफाई प्रोसेस करेंगे तो ये आपको वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। और वेरीफाई होने के बाद अब ये वापस आपके LIC के वेबसाइट पर चला जाएगा। बस हो गया खत्म, इतना ही सा प्रोसेस है और यही आसान आपका काम है। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।